का धरना जारी था अपनी मांगों को लेकर, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमारा धरना इसी तरह से चलता रहेगा। इसके अलावा इन्होंने पहले भी जेल भरो आंदोलन भी किया था, गिरफ्तारियों के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने जो है इनकी गिरफ्तारियां नहीं की थी। उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आवास है, उनके आवास का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन जो पुलिस है वहाँ पर पूरी तरह से लुटायद है। आगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उसके आगे पुलिस खड़ी है, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा, इसीलिए पूरा रोड जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स ने यहाँ पर जाम कर दिया है, लगातार नारेबाजी कर रही है। इसके अलावा जो है किसानों ने भी समर्थन दिया, सरकार द्वारा भी समर्थन दिया गया है, इसी प्रकार जो है इनका धरना लगातार जारी है। आंगनवाड़ी वर्कर से भी बातचीत जानेंगे, अपना नंबर बनाने के लिए सरकार में कहीं हमारा नंबर ना कट जाए, हमारी कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, हमें कहीं देश में किसी ने फंसा ना दे, इन सारी चीजों का कटाव के लिए वर्कर को जो उसका हक बनता है आज आके बैरिकेड ये भी देने के लिए ये अधिकारी तैयार नहीं है। हमारी मांगे कोई नहीं रही है, हमारी मांगे तुम्हारी है, जो 2018 में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि 1500-750 रुपए हम आपको देंगे, लेकिन आज तक हमसे कोई सुन रहे हम अपना पिछला बकाया एरियर समेत लेकर रहेंगे। आज हमने नोटिस दे दिया पीएम मैडम को 25 तक हमारी हड़ताल रहेगी, उसके बाद जैसा भी पीछे से आएगा स्टेट से हम हड़ताल पे सारी की सारी वर्कर्स और डॉक्टर आएंगे, जब तक हम जरूर आएंगे अपना हक लेकर आएंगे। सरकार की बात है की दूसरे के खिलाफ है, हम बच्चों को लेकर आज 41 दिन हो गए बैठे हुए, हम बैठेंगे बैठे और आगे भी बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमें हमारा हक नहीं मिलता, हम हड़ताल पे ही रहेंगे, कोई रिपोर्ट कोई काम नहीं करेंगे। लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का है, लोगों की रोटी रोटी छीनने का मसला है, और ये अपने हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम काम करेंगे। जो बैरियर है उसमें हम तोड़ कर आगे जाएंगे और हम पूरी टक्कर लेंगे और हमारा जो इसी तरह